चले भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं अजय सिंह राव आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टाइप जो हम कंटिन्यू है अभी तक भी, और दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आप सबको पता है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यू प्रोसेस में 1 नंबर से लेकर हम 10th क्लास में अब तक पहुँच चुके हैं। और फिर से मैं आपको एक बार लास्ट में याद दिला दूं कि हम इस समय जो कर रहे हैं वो एक स्मार्ट वर्किंग का काम कर रहे हैं। और भाई, स्मार्ट वर्किंग का मतलब बस केवल इतना सा है कि आने वाले 2 महीने के दौरान जो हमारी एग्जाम जितनी भी होगी, SSC स्टेनो हो, 10+2 हो, CGL का हो, मेंस एग्जाम, CPO मेंस का एग्जाम हो, CPO प्री के एग्जाम्स हो, या फिर आपके अदर्स एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतर और एक कम टाइम में एक बहुत अच्छा प्लान हम इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे स्पेशली CPO 2019 के उन क्वेश्चन से जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बने हुए हैं। मैंने फिर से बोलना है, आज हम जिन क्वेश्चन से मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे, वो सारे सारे क्वेश्चन आपके CPO 2019 के क्वेश्चन होंगे। आई टेल यू वन थिंग कि अब तक CPO 2019 में जो क्वेश्चंस बने थे, CPO 2019 में जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बने, उन सभी क्वेश्चंस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से लास्टली आप सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्लास। चलिए मैं टॉपिक से हटकर बात कर, बट जरूरी है। चलिए, क्या पूछ रहे हैं माहिराज? एक प्रॉब्लम है, चलिए बताइए माही क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में मैं जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फटाफट पूछिए आप, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए भाई, ओके, चलिए भाई, आपको भी गणित हम, ओके फाइन। अब चलो टॉपिक पर बात कर लेते हैं सीधे। तो अब तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली कि 60 160 क्वेश्चंस हम अब तक कर चुके हैं, आप सबको पता है। और हम 160 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 160 क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 161 होगा। चलिए फाइन, दिस क्वेश्चन इज बिफोर यू एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए भाई, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें हम। हमारा टारगेट आज बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। चलिए फटाफट उड़ाए क्वेश्चंस को, ओके, आई एम वेटिंग योर आंसर। चलिए देखिए फटाफट, मोडाल से क्वेश्चन बना हुआ है और मोडाल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, बस वही चीज़ आपको अप्लाई करना है। एक मोडाल का पार्ट है और दूसरा जो इसके अंदर है एक एग्जेक्टिव का छोटा सा नियम लगाना है, सम और एनी का, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लॉक करना है। चलिए लॉक करें फटाफट, सभी लोग स्पीड बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए बी, ओके, टेलीग्राम में ग्रुप है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स है वो किसी की पर्सनली चैट ना करे, प्रॉब्लम होती है। नहीं, कोई पर्सनल चैट ना कर, नहीं करता भाई, टेलीग्राम ग्रुप में केवल डिस्कस ही करते हैं, केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन चलता है, ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन पर फोकस करिए। चलिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स बता रहे हैं बी, तो मैं भी फोकस करता हूँ कि बी होगा क्या इसमें। चलिए देखने की कोशिश करूंगा। आई कुड नॉट गेट सम, आई कुड नॉट गोट सम स्लिप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टेकिंग वर वेरी लाउडली। चलिए जो भी है, यहाँ पर दो क्लोज आप खुद देखिए एक बार, यहाँ से जो क्लोज आपको दिया हुआ है वो बिकॉज से जोड़कर दिया हुआ है, भाई समझने की कोशिश करें। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कंजंक्शन है, और इसके दोनों तरफ हम दो सेंटेंस जोड़ते हैं, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आपको अंडरलाइन में जो दिया हुआ उसी में से एरर निकालना है। कुड नॉट आपका मॉडल हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो भी मॉडल होता है, चाहे वो पास्ट फॉर्म का हो चाहे प्रेजेंट फॉर्म का हो, हमेशा हर बार क्या लगता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। चलिए चाहे कैन होगा चाहे कुड होगा, लगेगा तो हमेशा क्या वर्ब की फर्स्ट टर्म। चलिए एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये वी टू है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर भी ये वी टू था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सम और एनी में से। तो जैसा कि आपको पता है कि सम का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सम इन द पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, एंड एनी इज द नेगेटिव सेंटेंस। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ से आप खुद देखिए कि नेगेटिव सेंस दिया हुआ है, नॉट लगा हुआ, तो डेफिनेटली एनी होगा, न कि ए होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आपका आंसर मुझे मिल चुका है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। फटाफट सोल्व करिए, चलिए फटाफट सोल्व करिए और टाइम दीजिए इसके लिए भी। एडवर्ब से बना हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिए एडवर्ब से बना हुआ क्वेश्चन है, आंसर दे फटाफट से, आंसर दे आप 162 नंबर लगा के। चलिए 162 नंबर लगाए और आंसर दीजिए कि 162 में क्या आंसर होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग।
चलिए आपकी बार बताते हैं, कौन कौन बता रहे हैं देखिए, देखते हैं। चलिए फटाफट करें, फटाफट करें। क्वाइट जो होता है एक एडवर्ब होता है, उससे रिलेटेड आप क्या जानते हो? और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आप सीख के ही जाओगे। डेफिनेटली आई टेल यू वन थिंग, चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए बी, अभी पता नहीं कौन से का बी बताया जा रहा था, ये पिछले क्वेश्चन का था या इस क्वेश्चन में है, अभी इस क्वेश्चन में बताना है तो नंबर लिखिए 162। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए मीनाक्षी शर्मा बता रहे हैं डी, सिमरन बता रहे हैं डी। चलिए भाई लेट्स सी कौन कौन क्या क्या बताता है, लेट्स सी। चलिए टीना बता रहे हैं डी, ओके कमलेश ऑल्सो डी, चलिए फाइन ओके। चलिए भाई सभी ओके, लालचंद ऑल्सो डी, मीनाक्षी शर्मा डी ओके, संदीप कौर डी, के राव, पूनम वर्मा। चलिए ऑल स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द सेम आंसर, डी आंसर, तो इट मीन्स टू से यू आर टेलिंग दैट इट शुड बी डी। चलिए लेट्स चेक द डी, मे बी और नॉट। देखो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि सो के बाद में मुझे अगर एक फ्रेज लेना होगा तो मैं हमेशा याद रखना सो के बाद में हम हमेशा क्या लेते हैं, सबसे पहले एक एडजेक्टिव लेते हैं। भाई समझने की कोशिश करें, अगर कोई भूल भी गया है नियम तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हम हमेशा सो के बाद में क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव लेते हैं और फिर हम लेते हैं ए और एन, और फिर हम क्या लगा सकते हैं एक नाउन, ये ऐसा एक फॉर्मेट होता है। इट इज पॉसिबल भाई, इट इज पॉसिबल, बट इफ यू थिंक दैट दिस वन पॉसिबल नो, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सो के तुरंत बाद में आप एक आर्टिकल लगा करके और फिर एडजेक्टिव या फिर आप अगर नाउन लेने की कोशिश करते हो तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल अगर होगा तो आंसर कर लेंगे। अगर मैं क्विट क्वाइट के बारे में बोलूं तो पहली बात तो क्वाइट क्या होता है, एक एडवर्ब होता है भाई, और एडवर्ब में भी कौन सा अर्थ देता है, पूर्ण रूप से। तो इसके साथ में एक छोटा सा नियम ये लगता है कि आप इसके बाद में ए और एन का यूज डेफिनेटली कर सकते हो और फिर वो एडजेक्टिव और आप एक नाउन का यूज कर सकते हो, ये चीज़ गलत नहीं होती। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से, अब आप मुझे एक चीज़ और पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर वो का वही तो फॉर्मेट है, एक तो ये है और एक ये है, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा जवाब आपके पास में ये होगा, याद रखिएगा अगर आपको क्वाइट दिया जा रहा है तो उसके साथ में आपको आर्टिकल दा लगाने की जरूरत नहीं है उस एडजेक्टिव और नाउन से पहले। मेरे साथ मतलब कहने का ये हुआ कि दा वाले आर्टिकल वाले को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी प्रायोरिटी, ए और एन आर्टिकल को दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला क्रॉस हुआ, सो के बाद में आर्टिकल दा नहीं एडजेक्टिव चाहिए, सो के बाद में एडजेक्टिव चाहिए तो भी गलत हो गया, तो आपका आंसर जाएगा डी। जल्दी से फटाफट एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस नियम का हल्का सा, क्योंकि ये भी कमाल की चीज़ है। चलिए भाई जो लोग आंसर बता रहे हैं उन लोगों ने डी बताया, उन लोगों का सबका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए बताएं फटाफट से एक क्वेश्चन और आपके लिए, एंड दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट टू द टेक क्वेश्चंस फॉर्मेट। चलिए फटाफट सोल्व कीजिए, टेक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है छोटा सा। चलिए 15 सेकंड के लिए क्वेश्चन दिया गया आपको, केवल टेक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, फटाफट नंबर लगाए 163 और आंसर लॉक करें। आज का टारगेट है कम से कम 50 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए, ऐसा इसलिए होता है डॉक्टर आर कृष्णा सरस्वती वेलकम। और मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी एडवर्ब के साथ में हम अगर कोई फ्रेज जोड़ना चाहते हैं तो ए और एन आर्टिकल ही लगाते हैं, चाहे वो सो हो, चाहे टू हो, चाहे क्वाइट हो, है ना। तो सबके साथ में एक छोटा सा नियम होता है जो कि हमारे एडवर्ब के टॉपिक से निकलता है। चलिए भाई विकास वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए बी ऑप्शन बता रहे हैं आप ओके। चलिए रवीना बी, विजय बी, विजय सी बता रहे हैं ओके, के राव भी। चलिए टीना, विकास, माहिराज, संदीप कौर, चलिए भाई सभी का वेलकम। और सभी के आंसर्स को देखते हुए मैं देर लॉक करना चाहूँगा आंसर क्या होगा। मोनिका शर्मा भी, लेट्स सी, द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द स्टॉर्म वॉज लास्ट इवनिंग। तो यहाँ से आपको वॉजंट इजंट इट दिया हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस की टोन समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। तो दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट, पास्ट में है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो यहाँ से टेक भी किस में बनेगा मेरे भाई, पास्ट में बनेगा। टेक बनाने के लिए दिए हुए सेंटेंस की ही क्या निकालते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो वाज ही निकालेगा। टेक कैसा है, पॉजिटिव है, तो टेक क्या बन, इधर के सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव है तो इधर की तरफ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और आपको पता है ट्री के लिए हम क्या ले सकते हैं, इट, तो डेफिनेटली वाजंट इट जहाँ दिया हुआ वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने बताया बी वो डेफिनेटली ट्रू है, और जिनको डाउट लगता है लिख करके भेजिए, उनके डाउट का सलूशन कर दूंगा। सुशीला यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग आपका भी। चलिए चलो भाई ध्यान दीजिए, 164 पर आ चुके हैं हम, और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें 164 क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। चलिए स्टार्ट सोल्विंग,
चलिए 164 क्या कह रहा है, व्हेन द पीएमसी बैंक फेल मेनी पीपल्स लाइव्स जिंदगी जो है वर रुइनिंग, मुझे नहीं पता क्या होगा। पीसीयू होने पर भी हेल्पिंग वर वही लगेगी, एग्जैक्टली वही लगेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती वही है। चले बताए भाई क्या लग रहा है, चले चलिए कृष्ण बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं सरस्वती कृष्णा की सर सी होगा। चलिए भाई लेट्स सी देखते हैं भाई, सिमरन बता रहे हैं बी होगा। चलिए विकास शर्मा सी एंड रेनू सैनी सी, काजल सोनकर बी, पवन यादव बी। चलिए भाई पूजा पूजा राव ओके सी एंड के राव ओके सी, लेट्स सी दैट क्या होगा, कंफर्म कर लेते एक बार। तो देखो सबसे पहले तो जैसे ही पीएमसी बैंक क्या हुआ, फेल हुआ मतलब बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, डूब गया कहने का मतलब ये हुआ। तो अब आपको पता है जैसे ही ये जब हुआ तो इसका प्रभाव सीधे ही लोगों की जिंदगी पर पड़ा। तो ये यहाँ पर मैनी पीपल्स लाइव जो है, ये लाइव यहाँ पर नाउन है और ये भी यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ब लगा रहे हैं तो लाइव जो है वो कैसी नाउन है, सबसे पहली बात तो आपको ये बताया गया है कि जब भी दो नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगती है तो हम हमेशा जब भी वर्ब लेके जाते हैं मेरे भाई इस नाउन के अनुसार लगाते हैं, क्योंकि नाउन अपोस्ट्रोफी नाउन में हमेशा दूसरी नाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। तो दूसरी नाउन आपने क्या देखी कि प्लुरल है, तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्लुरल। तो जो सी बता रहे हैं वो तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि वास तो हो नहीं सकता भाई, समझे ना। दूसरी बात है हैज भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हैज भी आपका सिंगुलर है, होगा तो वर ही होगा। और दूसरी बात है यहाँ से देखो आप इसको देखो, ये पास्ट में है ना, तो ये पास्ट में तो डेफिनेटली ये भी क्या कहाँ जाएगा, पास्ट में जाएगा। अंतर इतना सा है कि ये ले रहा है आपका फोर्थ फॉर्म और ले रहा है थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई थी लोगों की, देखिए हो गई हो रही थी समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होगा। फेल हुआ था तो जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी, तो इट वॉज द पैसिव सेंटेंस है ना, मेनी पीपल्स लाइव वर रुइंड, वर रुइन एग्जैक्टली। तो ये पैसिव सेंटेंस विल बी द इफेक्टिव आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए क्या बता रहे हैं, 18th को हुआ था उसके बाद मेरे लायक कोई वैकेंसी नहीं आई है, मैं हाई कोर्ट का फॉर्म भर सकता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी। ऐसा है लालचंद मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ, बीएससी अब हाई कोर्ट में जो है वो कंप्लीट ग्रेजुएशन मांगा है, अपीयर वालों के लिए कोई स्पेस नहीं है फॉर्म भरने का। देर इज नो रिकमेंडेशन, देर इज नो एनी रूल फॉर द दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, तो कंप्लीट होना चाहिए भाई। साउंड कम आ रहा है, माइक्रोफोन थोड़ा पास में कर ले सर। चलिए साउंड कम आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, चलिए अभी आएगा एकदम बढ़िया वाला, चलिए है ना, ठीक है बी आंसर हो गया। तो जिनका बी हुआ उन सबको बधाई और जिनका नहीं हुआ उनको भी बधाई, क्योंकि आप भी और मेहनत करें। चलिए स्टार्ट करें और हर सेंटेंस में एक नियम खोजने की कोशिश कर रहे हैं हम, हर सेंटेंस में, ये भी एक बहुत गजब की चीज है। स्टार्ट करो, स्पीड लगाएं भाई, स्पीड लगाएं, दबा के स्पीड लगाएं सारे। उसमें गिवन नहीं था विकास, उसमें ऐसा कोई गिवन नहीं था कि आप ईयर वाले लगा सकते हैं। आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन देखिए, मैंने नोटिफिकेशन देखा उसमें नहीं बता रखा, उसमें बोला है ग्रेजुएशन चाहिए। चलिए भाई बी बता रहे हैं मधु संदीप, चलिए सभी लोग भी बता रहे हैं, चलो कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। चलिए मीनाक्षी शर्मा, टीना, मोनिका, सुशीला, चलिए भाई महेंद्र, विकास, इमरन, अभेद आदि, चलिए भाई ठीक है सुभाष यादव, सभी जो है ज़्यादातर बी और सी पर टिके हुए हैं। चलिए भाई लेट्स सी एक बार देख लिया जाए, तो मैं एक छोटा सा नियम आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा वेयर है वो है क्या, तो भाई समझने की कोशिश करें, वेयर जो है वो यहाँ पर है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है भाई, ये एक रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। और रिलेटिव एडवर्ब से पहले हम जो भी नाउन लेते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, उस नाउन से पहले हम क्या आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल द, मतलब मैं आपको ये कह दूं कि जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो हमारा हु हो, चाहे वो हमारा विच हो, चाहे वो हमारा हुम हो, चाहे वो हमारा हुज हो, अब इसके अलावा अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ तो भी इनके पहले जो भी नाउन लगाऊंगा उसके पहले द आर्टिकल का एक रिकमेंडेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिपीटेशन करता है और आपको पता है इनके बाद में जो भी कंडीशंस होती है। और दूसरी बात मेरे भाई समझने की कोशिश करें, अगर आपको रिलेटिव एडवर्ब में वेयर दे रखा हो और अगर वेन भी दे रखा हो, तो याद रखने की कोशिश करें कि इनके पहले भी एक एडजेसेंट आता है, आपको पता होना चाहिए, और वो जो एंटीसीडेंट आता है उसके पहले भी हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग में फिक्स करें
कि आर्टिकल द फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको जाना है। दूसरी बात, आप आंसर लॉक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल द था नहीं, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट आपका गया। यहाँ से देखो, दिस इज अ प्लेस, बात वो की वही हो गई। दिस बी द प्लेस, अब ये बी तो आपको पता वैसे ही नहीं लगता, अगर इज है ओरिजिनली तो फिर बी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो जो लोग सी बता रहे थे दे आर रॉन्ग, तो कोई बात नहीं भाई, जो लोग सी बता रहे थे दे आर रॉन्ग, बट जो लोग बता रहे हैं बी दे आर एब्सोल्युटली राइट। बट कोई बात नहीं है, आप सी के आर्टिकल में दिक्कत ही होती है, कोई बात नहीं, अब मैंने सिखाया, अब ध्यान रखिए आप आगे से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द को ही अलाउ है, और हमारे रिलेटिव एडवर्ब से पहले जो नाउन होता है उसके पहले भी आर्टिकल द को ही अलाउ है। चलिए बताइए फटाफट, डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है तो सारे के सारे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ और उड़ाने लग जाओ इस क्वेश्चन को। चलिए छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, नो सुनर का नियम अपनी जगह पर इतना मायने रखता, इतना मायने रखता ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान देने की कोशिश करें। एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ यू डू इट, डू इट। क्या सोच रहे हैं, जल्दी करिए, वक्त निकलता जा रहा है, आपका सेकेंड पूरा हो चुका है। सीरियसली इट इज वेरी इजी। चलिए 166 में सी बता रहे हैं, मधु यादव सबसे पहले आंसर दिया इन्होंने, संदीप कौर जी सी, ठीना कुड़ाओ, चले भाई आपने भी सी, सिमरन यादव, चले भाई ठीक है। तो एक बार देख लिया जाए, जो लोग सी बता रहे हैं उन्होंने क्या सोच के बताया होगा, आपने ये सोच के बताया होगा कि नो सूनर जब भी दिया जाए तो उसके साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, सबसे पहले तो देन, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मेरे भाई ये होती है कि नो सूनर जब भी दिया जाता है तो इसके बाद में हमेशा क्या लगाते हैं, इन्वर्जन, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये भी होती है कि नो सूनर जब भी आपको दिया जा रहा है, याद रखना, तो इसके साथ में दो टेंस फिक्स होते हैं, एक तो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई। और दूसरी तरफ जो देन के बाद में हम लेते हैं टेंस, वो लगाते हैं हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट भाई। तो ये हमारी टेंस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये वाली फिक्स होती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और डेफिनेटली नो सूनर जब भी दिया जाए तो इसके साथ में दैट, सो दैट नहीं, वेन भी नहीं, और ये तो वैसे गलत था क्योंकि यहाँ पर दैट दे रखा था, आपका आंसर हो जाएगा सी। तो जो लोग नो सूनर के साथ देन लगाते हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, और जो नहीं लगा रहे वो गलत। तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए, नो सूनर ऑलवेज देन और हार्डली स्कार्सली के साथ वेन। चलिए मैं चल पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी नहीं छोड़ना, ये भी अपनी जगह पर मायने रखने वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से नया क्वेश्चन कंजंक्शन के टॉपिक से, चलिए 15 सेकंड आपके लिए अलाउ। जल्दी करें, चले भाई क्या आंसर आ रहे हैं देख लो एक बार। आपके आंसर सारे 167 को लेकर के बी ए, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है राइट। चलिए सबसे पहले तो देखो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो फ्री में क्रॉस होने वाले हैं उनके बारे में बताऊं। देखो क्या कमाल का रूल बताता हूं आपको ना, सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता है कि जो भी नाउन होता है उस नाउन का पहला, कोई भी नाउन छोड़ो आप, जैसे मान के चलो कोई भी वर्ड है, नाउन तो होगा ही होगा, कोई भी वर्ड है ठीक है ना, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब फर्स्ट लेटर और उसका फर्स्ट साउंड, यही तो देखते हो ना आप, उसका फर्स्ट साउंड आप हमेशा देखते हो एक आर्टिकल लगाने के लिए। तो फर्स्ट साउंड का एक रूल ये होता है, चलो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है ना, कोई बात नहीं आप समझ जाओगे। जैसे मान के चलो कोई वर्ड है ठीक है ना, तो इसमें से आप ये दो चीजें देखते हो, एक तो देखते हो आप फर्स्ट लेटर और एक देखते हो फर्स्ट साउंड। चलिए जल्दी से एक बार एक छोटी सी चीज क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट साउंड और फर्स्ट लेटर। मैंने ये कहना है कि अगर फर्स्ट लेटर मान के चले कि आपको वाउल है और फर्स्ट साउंड भी आपका मान के चलिए अगर वाउल है ठीक है ना, तो आप हमेशा क्या लगाते हो भाई, इसके अंदर एन का यूज करते हो राइट, आप इसके अंदर एन का यूज करते हो, आपको भी पता है। दूसरी बात मैंने आपको ये बोल दी, मान के चलिए कि अगर फर्स्ट लेटर आपका क्या है, वाउल है, और साउंड अगर आपका कॉन्सोनेंट है, चलिए तो आप क्या लगा देते हो, ए लगा देते हो। अगर लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड अगर वाउल है तो लगा दोगे एन, और अगर आपका लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट है
तो भी क्या लगा दोगे ए। तो देखो एन की दो ही स्थिति है, एन की दो ही स्थिति है कि जब जब भी साउंड वाउल होगा तब हमेशा क्या लगाया जाएगा एन, ये तो आपको भी पता है। अब इस चीज को हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लीजिएगा। अब देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई कुछ यूं करना होगा इसके अंदर, ध्यान दो सभी लोग एक बार, यहां से जो ऑनेस्ट होता है ना उसका जो साउंड है ना वो वाउल साउंड है, वाउल साउंड है। और जब भी साउंड आपको पता है ना क्या होता है, साउंड अगर वाउल होता तो हमेशा क्या लगाते हैं एन, तो इसकी वजह से ये तो गलत हुआ तो बी ऑप्शन गया। फिर दूसरा अब यहां देखो ये भी वाउल साउंड है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां साउंड वाउल है और लगाया गया क्या है ए, तो ऑनेस्ट होता है इसका साउंड, देखो ऑनेस्ट न कि होनेस्ट ना ओ। चलिए अब दूसरी बात देखो यहां से ऑन है लेकिन अब यहां देखो ही के अनुसार क्या लगाया जा रहा आर, भाई ये तो गलत हो गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डेफिनेटली ए, ऑल्दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और दूसरी बात ये है कि यहां पर जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसके ऊपर इस सेंस, इसका जो सेंस है ना वो थोड़ा सा क्या जा रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, निगेटिव सेंस, तो इसलिए हम ऑल्दो का ही यूज करेंगे। चलिए बताएं समझ में आई गया होगा आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन है। रही बात इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भाई ले लीजिएगा एक बार जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि मैं चल पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाए सोल्व करें, सॉरी फॉर दैट एंड नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग। चलिए फटाफट लोग करें इस क्वेश्चन को, फिर से टाइम दिया गया आपको 15 सेकेंड का। चलिए सोल्व करिए, नीदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर, आई डोंट नो। चलिए फटाफट रोक करिए सभी, क्लियर है, क्लियर है, चलिए आंसर लॉक करिए। बहुत इजी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम से क्वेश्चन है, मैं आपको टॉपिक का नाम भी बताता हूं चलूंगा। चलो अब की बार एक काम करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन किसमें आया हुआ, सीपीओ एसआई 2019, और आपको पता है सीपीओ प्री का एग्जाम भी लगने वाला है नवंबर दिसंबर में, और सीपीओ मेंस का एग्जाम भी लगेगा, तो भाई आपके लिए जरूरी है। देख लो आप सीपीओ के ये हाल है, 2019 में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप कहाँ उड़ रहे हो, इतने भारी भारी चीजों में मत जाओ। बहुत सिंपल है ग्रामर से क्वेश्चन बनना, बस एक बार अच्छे से ग्रामर के रूल्स को याद कर लो, लेकिन रूल्स को याद करने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो वो मैं करवा रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी सीरीज जारी है 2019, 2018, 2017 तीनों के क्वेश्चन करेंगे, और फिर सीएचएसएल के क्वेश्चन भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे भाई, उसके लिए टाइमिंग डिसाइड करके करेंगे, टारगेट देखते हैं, देखिए मंडे से पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को मैं अनाउंस कर दूंगा भाई, है ना। जैसे टेंस के लिए बोल रहे थे सर, इवन इफ क्या है भाई, इवन इफ एक कंडीशनल है, कंजंक्शन है, और क्या है उसका मतलब, यद्यपि है लेकिन वो कंडीशन को बताता है, और ऑल्दो जो होता है वो कॉन्ट्रा बताता है, आपको पता है, ठीक है ना। चलो आंसर बता देता हूँ, नीदर द डायरेक्टर्स जो है पहला सब्जेक्ट, नोर द चेयरमैन आपका दूसरा सब्जेक्ट, और जब भी सेंटेंस नीदर नोर से जुड़े, इधर और से जुड़े, नॉट ओनली बट आल्सो से और से जुड़ते हैं, तो हमेशा वर्ब किसके अनुसार, सेकेंड या लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसी के अनुसार। तो चेयरमैन साहब क्या है हमारे, सिंगुलर, क्योंकि आपको पता है मैन और मैन में अंतर होता है, मैन होता है सिंगुलर और मीन जो होता है वो क्या होता है प्लुरल, ऐसे वुमन और विमेन, देखो ऐसे ही वुमन, ये तो बहुत छोटी सी चीज है ना, पता है सबको, और विमेन ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो वर तो किसी एंगल से नहीं जाएगा मेरे भाई, ये भी गलत हो गया। चलिए वर है ये भी गलत हो गया, चलिए ये भी वर है गलत हो गया, आंसर हो जाएगा सी, एग्जैक्टली सी होगा। चलिए गुड वन, सभी लोग सी बता रहे हैं, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सही आंसर दिया भाई, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे चलिए। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, आपकी बड़ी धांसु प्रैक्टिस, आज का टारगेट 50 प्लस क्वेश्चन करना और करके रहेंगे। चलिए बताएं स्टार्ट करें सॉल्विंग करना, चलिए और टाइम स्टार्ट नाउ, लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबास्ट, चलिए फटाफट योर टाइम स्टार्टेड नाउ, करें सॉल्व। ही हैड बियरली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कमाल का वर्ड बता रहा हूं। सोच समझ के एक नई चीज सीखने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, याद रखना एक नई चीज, सच्ची बता रहा हूं एक नई चीज सीखो गया। चलिए मैं पढ़ पा रहा हूं आपके आंसर सबके, काजल बता रहे सी, सिमरन ने वापस डिटेक्ट किया, विनोद यादव ए, मीनाक्षी शर्मा सी, चलिए कृष्ण कुमार डी, संदीप कौर, सुशीला यादव, चलिए भाई माहिराज, विकास, सिमरन, पवन, महेंद्र, मधु, चलिए सभी लोग जो है वो अलग अलग बता रहे हैं यार, कोई भी, कोई सी, कोई भी, यार इतना कंफ्यूज कैसे है भाई, समझने की कोशिश करो। आप सबसे पहले ये देखो कि ये बाहर लिखा हुआ हेड,
और हेड बार की तरफ है, तो जब हेयर बार है तो मतलब इसके साथ कंफर्म है, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए स्पीक हो गया, स्पोक हो गया, स्पोकन हो गया, आप समझ सकते हो इस चीज को, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। तो इसके साथ क्या लगेगी, स्पोकन, तो जहां स्पोकन नहीं है वो गया, देखो ये गया, देखो ये गया, कितना सोच रहे हो आप लोग वर्ब ना। अब दो जगह पर स्पोकन है, ये वी थ्री है और भाई मेरे ये भी वी थ्री है। अब इन दोनों को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि याद रखना हमेशा 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 कि जब भी आपको बेयरली दिया जाता है तो बेयरली के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं, ना कि किसका, देन का यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं कभी, तो चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को ना, चलिए याद करिए। आपको ये तो पता होगा कि हार्डली होता है और स्कार्सली होता है, भाई समझ रहे हो ना। तो अब ये भी बात याद रख लो कि बेयरली भी होता है, ठीक ना। और इन तीनों के साथ में ही हम क्या जोड़ते हैं, इन तीनों के साथ में एक सेंटेंस यहाँ जोड़ते हैं और दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, वैन, और फिर से एक क्या जोड़ देते हैं इधर की तरफ, सेंटेंस। तो अब याद रखना कि वैन का यूज हम कर सकते हैं इसके साथ में, न कि किसका यूज कर सकते हैं हम इसके साथ में, वैन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं, 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 समझ रहे हो। चलिए ये नियम आपका अप्लाई हुआ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक तो देखो मैन वर्ब से आपने ऑप्शन क्रॉस किए और दूसरा आपने क्रॉस किया कि हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, तीनों का मतलब एक ही होता है भाई, मुश्किल से अपडेट हो चुका है रूल, मुश्किल से, देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब नई चीज है आप लोगों के लिए। चलिए अब क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपको रूल क्लियर हो गया। उड़ाएं फिर इस बात पर फटाफट से इसको भी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए सोच समझ के बताएं, आराम से, मस्त टाइम है। देखो आप कहोगे तो मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो, हो सकता है फिर धीरे बाद में आप एडजस्ट करना सीख जाओ, तो मुझे बता देना लिख के। चलिए अब क्लियर हो गया। चलिए टिम्पा चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग, अभी आप आ रहे हो, अब आ रहे हो आप, लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए विकास शर्मा सी, सिमरन यादव सी, चलिए भाई लेट्स सी दैट, देखते हैं एक बार आपके आंसर सही है क्या। ओके 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 ओके, कमल सोन, काजल, मधु, सुभाष, चलिए टीना, ओके, के राव सी, चलिए भाई सभी लोग जितने पढ़ रहे हैं वो सारे आंसर देंगे, क्योंकि साथ में जब आप आंसर देते रहेंगे तो आपके लिए एक कोरिलेशन बना रहता है, आपस में कनेक्शन बना रहता है, जिससे मज़ा भी आता है, मुझे भी यहाँ पर अच्छा फील होता है कि आप लोग रिस्पॉन्ड दे रहे हो मुझे। चलिए भाई बढ़िया, कमलेश कंवर, लोकेंद्र, पूनम, सुशीला, बहुत बढ़िया, विनोद यादव, संदीप कौर, रेनू, चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इस सेंटेंस के आंसर तक पहुँचने के लिए आपको क्या देखना है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो होता है वो एक ऐसा सेंस होता है जो पर्टिकुलरली टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, एक तो हो जाएगा हैज और एक हो जाएगा हैव, और इसके साथ में लगा दो बिन, और बिन के साथ वी फोर, वी फोर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए क्या बोलते हो, सही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दिया तो ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, ये तो हो नहीं सकता। चलिए दूसरा आस्क, ये तो पास्ट इंडेफिनिट, ये भी नहीं हो सकता। आर आस्किंग प्रेजेंट टेंस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एग्जैक्टली जो लोग सी बता रहे हैं वो सही है, एग्जैक्टली सही है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और एक जबरदस्त क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए अब आपको ये बिलीव करवा दूँ कि ये जो नियम आप बैक टू बैक बार बार टेंस के उन तीन नियमों के क्वेश्चन जो हमारे बीच में आते हैं ये इतने जबरदस्त है ना, आप देख लो सीपीओ के क्वेश्चन, सीपीओ के एग्जाम में भी आ रहा है। 160 नंबर का क्वेश्चन भी इसी नियम से है और 171 नंबर भी इसी नियम से, 2019 की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन है। अब करो सोल्व फटाफट, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए डी, चलिए भाई सभी लोग सोल्व करो, अपना अपना आंसर करेंगे ना, कॉपी पेस्ट नहीं। चलिए भाई डी, काजल, ओके डी, चलो भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फटाफट लोग करो, क्या सोच रहे हो, जल्दी 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 जल्दी, आई नीड योर आंसर्स फास्ट एवरीवन। चलो भाई बहुत बढ़िया, सुशीला यादव, टीना, मीनाक्षी, कमल, मधु, काजल, पवन, विकास, चलिए भाई सिमरन, माहिराज, पूनम, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, सभी को शाबाश, सभी को बहुत बहुत बधाई हो क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। ई प्लस प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात होती है और बूंद बूंद से घड़े बढ़ते हैं, आपको पता है। आज आपकी हर एक दिन की जो मेहनत है, हर एक वक्त की जो, हर सेकेंड की जो कीमत है, आपको जरूर इसके लिए एक फ्रूट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, देखना इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, बस आप कंटिन्यू रहो। देखो यू को हम ये जानते हैं कि यू के अनुसार कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता, और ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और आपको पता भी है।
यू कैन। और दूसरी बात है, कभी भी इफ वाले कंडीशनल वाले सेंटेंस में मोडाल का यूज नहीं करते, वो बात अलग होती है, कंडीशन होती है जिसमें हम यूज करते हैं, जब इफ को कंजंक्शन माना जाता है और की के साउंड में होता है। अगर कभी भी इफ यदि का साउंड दे तो इसके साथ कभी मॉडल नहीं लगेगा, लेकिन कभी अगर इफ की का साउंड दे की का, तो इसके साथ में आप मॉडल का यूज कर सकते हो। मैं एक चीज बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इस बात को, मैंने कहा जब यदि इफ का साउंड अगर यदि होगा तो मॉडल नहीं लगेगा, लेकिन इफ का साउंड अगर की होगा, की के अर्थ में होगा, की के अर्थ में, तो इसके साथ मॉडल लगेगा। और की के अर्थ में देखने के लिए आपको क्या देखना होता है कि हमेशा वो किस सेंटेंस में होता है, नाउन क्लोज भाई मेरे, की का अर्थ देने पर वो कौन सा सेंटेंस बनता है, इफ वाला नाउन क्लोज। इसलिए समझ जाना नाउन क्लोज डब्ल्यू एच वर्ड के या दैट के या इफ के साथ में मिलकर बनता है। चले भाई ये भी क्रॉस हो गया आपका, ये भी क्रॉस हो गया, ये देखो मॉडल दिया हुआ इफ वाला और इफ तो आज यदि के साउंड में है, की के साउंड में नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका टी। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, छोटी छोटी डाउल क्लियर होने से भी नेगेटिव नहीं जाते सर। अरे कभी नहीं जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, मैं बता रहा हूँ, और मेरे से लिखवा लो आप लोग, आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से आपको सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, क्योंकि यही वो मोटे और बेहतरीन नियम है, ये गोल्ड है, गोल्ड इस समय ना, गोल्ड पढ़ रहे हो आप, सोना एकदम, हीरा पढ़ रहे हो आप, हीरे वाले क्वेश्चन, एक बेस्ट स्ट्रेटजी। केवल एक घंटा आपका ले रहा हूँ, लेकिन एक घंटे में आपको ये सिखा के जा रहा हूँ कि आप एग्जाम के लिए कितना परफॉर्म करके आओगे बेस्ट अपना। बस बी कंटिन्यू बताओ फटाफट, फटाफट बताओ, और आप दिल से बोलो क्या ये रियल इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉक करो आंसर, लॉक करो, चलिए लॉक करो, 15 सेकेंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लॉक करो आंसर। चलिए भी दूंगा, चलिए रेनू सनी जरूर दूंगा ना आपकी बार, चलिए भाई, चलो मेरे भाई सोल्व करिए फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी, टाइम हो चुका आपका। विकास शर्मा बी, सिमरन बी, ओके विकास बी, महेंद्र बी, ए, चलिए टिम्पा चौधरी बी। चलिए थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है आपके आंसर्स में, तो उस वेरिएशन को एक बार थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दूर कर दूं। चलिए वेरिएशन को दूर करने के लिए मुझे ऑप्शन का आंसर देना पड़ेगा आपको। चलिए भाई ठीक है, सबके आंसर में देख पा रहा हूँ, सबके आंसर पढ़ पा रहा हूँ, बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस नियम का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अपनी जगह पर एक बहुत ज़्यादा है, 3 स्टार मैंने लगा दिया, मतलब समझ जाओ इम्पोर्टेंस है, कि जब भी आपको लेस्ट दिया जाए भाई, कहाँ से बन रहा है, कंजंक्शन से भी बन सकता है और मॉडल का भी बोल सकते हो, क्योंकि लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, पहली बात तो ये सीखिए, और इसका अर्थ होता है ऐसा न हो कि, ठीक है, और इसके साथ में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, सुड का यूज करते हैं। दूसरी बात किसका यूज नहीं करते हैं, नोट का यूज नहीं करते, नहीं करते। तीसरा बताएं, सुड नहीं होने पर, सुड नहीं होने पर, सुड नहीं होने पर प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाते हैं, ठीक है, नियम पूरा क्लियर कर दिया है मैंने आपको। मैंने क्या लिखा, पहली बात तो इसके साथ सुड प्लस वर्ब की फर्स्ट हो मेरे भाई, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने कहा इनके साथ कभी भी इसके बाद में नोट का प्रयोग नहीं होता है भाई। और तीसरी वाला, अगर शुड नहीं हो तो प्रेजेंट डेफिनेट लगा देना, ठीक है ना, अगर कुछ अपडेट होगा तो। एग्जैक्टली लेस्ट अपने आप में पहले से नेगेटिव है, ये देखो लेस्ट यहाँ पर कंजंक्शन है इसके बाद में, और ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, और ये पूरा एक सेंटेंस बढ़ रहा है भाई। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि यहाँ पर पहली बात तो सेल लग रहा है और मांगा था शुड, दूसरी बात है नोट भी लग रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, लेस्ट के साथ यहाँ पर वुड लग रहा है, मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, शुड, तो भाई गलत हो गया ये भी। तीसरी बात है, यहाँ पर शुड तो है लेकिन मैंने बोला नोट का यूज नहीं होगा, तो भाई ये भी क्या हो गया आपका, गलत आंसर हो जाएगा आपका बी। एग्जैक्टली आपका आंसर बी होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलिए। चलिए भाई स्पीड लगाएं, आज का टारगेट 50+ क्वेश्चंस करने का है। आज का टारगेट 50+ क्वेश्चंस करने का है, फटाफट से उड़ा दो, जल्दी 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 उड़ा दो, क्या सोच रहे हो, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए फटाफट, यस वेरी गुड वेरी गुड। चले भाई देखो आप सबके लिए क्लैपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और बनता भी है भाई आप लोगों के लिए क्लैपिंग। एग्जैक्टली मेरे भाई, चले भाई, यस गुड वन गुड वन गुड वन, कंटिन्यू रहो और एकदम एक पूरा फोकस के साथ आपको आंसर लॉक करना है, और पढ़िए आराम से नियमों को ना, आपका टाइम हो चुका है, आपको पता है 15 सेकेंड कब का है। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बिन इंक्लूडेड। मैं आपको इसमें एक नहीं दो चीज ही कहूंगा। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये बोल्डेस्ट किसकी वजह से आया भाई, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और ये आया किसकी वजह से, बनाओ
देखो जब भी वन ऑफ दिया जाए तो याद रखना आपको इसके साथ में एक ऑफर मिलेगा सुपरलेटिव डिग्री का। और आपको जैसा कि पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक तो ऑफर आपको इसके साथ क्या मिला, आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री का, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये भी होती है कि जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं तो हम इसके साथ में कैसी नाउन लगाते हैं, प्लुरल नाउन लगाते हैं, वो भी आपको देखना है। और तीसरी बात ये भी होती है कि इसके साथ में वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज जो है इसके अंदर कौन सी वर्ब लगाएंगे वो चीज़ अभी रिलेटिव प्रोनाउन हमें क्लियर कर देगा। पहली बात तो मैं इस पूरे नियम को आपके लिए खोल के रखता हूँ, चलो मेरी बात सुनो फटाफट। हमने कहा कि जब भी आपको वन ऑफ दिया जाए तो इसके साथ में आप एस डी का यूज कर सकते हैं। चलो एस डी तो आप लगा ही दोगे, ये तो अलग चीज़ हो गई। चलो यहाँ लिखता हूँ ना, द प्लस एस डी आप लगा सकते हो मेरे भाई, ये चीज़ बिल्कुल सही होती है। मतलब आप अगर आप ये देखना चाहो, मान के चलो कि कभी आपको यहाँ पर दिया जाए सी डी तो आप क्या कर देंगे, गलत। आपको कभी पी डी दिया जाए इस कंडीशन में तो क्या कर दोगे, गलत। चलो ठीक है, ये चीज़ तो अपनी जगह है। दूसरा नियम सुनो, दूसरा नियम सुनना इसका। दूसरा नियम ये है कि वन ऑफ के साथ में हम कैसी नाउन लगाते हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है ना भाई, समझने की कोशिश करें। प्लूरल नाउन और इसके साथ में दूसरी वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। अब देखो एक कमाल की बात बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। ये तो हो गई फर्स्ट, बट अब देखो बट लगा करके कुछ नई चीज़ आपको क्या सिखा रहा हूँ, बट लगा के आपको सिखाई गई चीज़ कि जब भी वन ऑफ दिया जाए तो उसके साथ में क्या लगा रहे हैं, प्लूरल नाउन, ठीक है ना। अब मान के चलिए इसके साथ में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया गया आपको, हु इज दैट में से कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन दे दे, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना वर्ब कैसी यूज करोगे आप, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर कमाल करते हो, अभी तो बता रहे थे प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, अब बता रहे हो प्लूरल वर्ब, तो सीखो भाई मेरे। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा नियम अप्लाई ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो नियम नाउन होती है, मतलब प्लूरल नाउन, उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, ये वर्ब लगाते हैं। तो आपने एक चीज़ सीख ली यहाँ से कि वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे दे प्लूरल नाउन के साथ में, तो आपको आगे वाली वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, प्लूरल, क्योंकि इस वाली नाउन के अनुसार। बताओ ये चीज़ क्लियर हो चुका है, फटाफट से बताइए क्लियर हो चुका है, और क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए आगे। अब दूसरी बात एक और सिखा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक और चीज़ बता दूँ कि जो एवर होता है ना, एवर, इसके साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक ना भाई। एवर का मतलब ऐसा, हमेशा, लाइक दैट, ठीक ना। तो एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज़ एव प्लस प्लस V3। अब ठीक है, फटाफट से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो गया हूँ, कमाल की चीज़ बता दी मैंने आपको। अब आंसर पर चलो आ जाओ, आप सीखो यहां से। देखो आपका वन ऑफ आया भाई, आया एस डी, आया प्लूरल नाउन दी कि नहीं दी, पहले तो ये देख लो। तो यहां पर तो प्लूरल नाउन है नहीं, केवल रिफॉर्म ही है, तो ये तो गया, ये गया, ये गया, मतलब आपका बी ऑप्शन तो क्रॉस। अब दूसरी देखो, हमें प्लूरल नाउन चाहिए, तो वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, इधर भी देखो बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये भी क्या नाउन है, सिंगुलर नाउन। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लूरल नाउन चाहिए, देखो मैंने बोला प्लूरल नाउन चाहिए। अब देखो यहां पर रिफॉर्म्स और यहां पर रिफॉर्म्स प्लूरल नाउन है, ठीक है, मान गए। अब कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि यहाँ पर तो वर्ब क्या दे दी आपको, सिंगुलर वर्ब दे दी, समझो मेरे भाई, और यहाँ पर वर्ब कैसी दे दी आपको, प्लूरल वर्ब दे दी। अब हमें ये देखना है कि कौन सी वर्ब होगी। मैंने कहा था जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन बीच में दिए जाए तो यहाँ पर वर्ब हमेशा क्या लगाई जाती है, प्लूरल, क्योंकि वो इसी नाउन के अनुसार तुरंत पहले वाले एंटीसीडेंट के अनुसार लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, किसी को डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं है तो फटाफट ये बता दो कि सर नो डाउट, आगे चलो, चलिए जल्दी से फटाफट बोलो, देयर इज नो टाइम, वी हैव टू सॉल्व 50 प्लस क्वेश्चंस टुडे, टारगेट है बहुत जल्दी वाला कंप्लीट। अक्टूबर में एग्जाम से 10+2 के मेरे भाई जो रिमेन स्टूडेंट्स हैं उनके अक्टूबर में एग्जाम से, तो मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नियम रिपीटेशन में जाए। चलिए नो, ओके, चलिए भाई ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लिया तो इसलिए फिर रेडी हो जाए और अगले क्वेश्चन पर अटैक करें फटाफट। फिर से एक कंजंक्शन का क्वेश्चन आपके सामने पेश है, जी हाँ ये कंजंक्शन का ही क्वेश्चन है आपके लिए, रेडी है, सोल्व करें, सोल्व करें, अभी आंसर लॉक करें 174 में क्या होगा। और वो जो वन ऑफ वाला नियम बताया था ना, वो बहुत तगड़ा नियम है, याद रखना उसको, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं भाई, नो डाउट। चलिए अब नो डाउट नहीं, अब फटाफट से 174 का आंसर लॉक करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या सोच रहे हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए। के राव ए, ओके, चले महेंद्र यादव डी बता रहे हैं, मीनाक्षी शर्मा ए और विकास शर्मा ए, चले संदीप कौर, सिमरन यादव ए, चले भाई ठीक है, लेट्स सी दैट व्हाट यू थिंक,
चलिए देखो, पहली बात तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को देखो तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है नॉट अदर, और फिर इसके साथ में बट। तो देखो, नॉट अदर और नो अदर में एक कंडीशन बनती है कि नो अदर के साथ एक फिक्स चीज़ बनती है। मैं गलत नहीं लिखता हूँ, मैं पहले सही नियम लिख देता हूँ कि जब भी आपको नो अदर दिया जाए तो मेरे भाई नो अदर के साथ में नियम बनता क्या है, नो अदर के साथ हमेशा याद रखना किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। और अगर आपको कभी नथिंग दिया जा रहा है तो नथिंग के साथ में आप क्या यूज कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी नो अदर के साथ में बट नहीं लगाते, नो अदर के साथ हमेशा देन लगाते हैं। अब बस फिक्स कर लीजिए, जहां पर आपको नो अदर के साथ देन देगा वो आपका आंसर है, नहीं तो ये बट है ये क्रॉस। यहाँ पर देखो ये बट है ये भी क्रॉस। पहली बात तो नो अनदर होता ही नहीं है, ये देखो नॉट अदर और बट और ऑल्सो, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जो लोग ए बता रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, दोनों ही बता रहे वो गलत है। तो नो अदर के साथ देन, और मैंने कहा दोनों ही किस में आते हैं, दोनों ही किसका काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं भाई, टिकना। चलिए कंजंक्शन कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटैक करिए फटाफट, चलिए फटाफट से अटैक करिए, क्या लग रहा है आपको। चलिए आंसर लॉक करें, चलिए भाई आंसर लॉक करें फटाफट, हो टाइम अप। अगर डाउट हो तो ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, पर एक बार आप बता तो दीजिए अगर आपको आना है तो। चलिए चलिए चलिए, देख पा रहा हूँ ए ए अपियर्स टू हैव बीन, क्या बात है, मजाक कर रहे हो ए, वाह। चलिए भी देख लिया जाए एक बार आप लोगों के आंसर। तो सबसे पहले महान इंसानों में आपको ये बता दूं कि जब भी टू होता है तो इसके साथ में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जो ए बता रहे हैं वो रुक जाओ अभी, है ना। तो अब पहले तो एक चीज़ फिक्स कर लो कि कभी भी टू के साथ ना तो हैज यूज होगा और ना ही कभी हैड यूज होगा, मतलब टू के साथ अगर होगा तो क्या होगा, केवल हैव होगा। तो भाई समझे बात को, समझे, क्योंकि ये हैज फर्स्ट फॉर्म नहीं पांचवी फॉर्म है, ये हैड सेकंड फॉर्म है। जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए मेरे भाई। तो टू के साथ हमेशा क्या होता है, हैव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात है, अब समझने की कोशिश करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये होगी कि टू के साथ हमेशा हैव होता है। अब दूसरी बात ये समझो, यहाँ से बट है ना, तो बट किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन मतलब एक क्लोज इधर है दूसरा क्लोज इधर है, ये क्लोज पूरा का पूरा आपने शक्ल देखी, ये क्लोज किस में जा रहा है मेरे भाई, पास्ट में जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये वाला क्लोज भी किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा नहीं रहेगा, बताओ, पास्ट टेंस रहेगा ना। और पास्ट टेंस में रहने के लिए फटाफट से देखने की कोशिश करें, टू के साथ मैंने कहा हेड का यूज नहीं करते, और दूसरी बात अपीयर्स प्रेजेंट में लगा हुआ तो वो भी गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए, पास्ट में, क्योंकि ये फिक्स पास्ट में दिया हुआ है। नो इंप्रूवमेंट देखना चाहिए, एक बार अपीयर तो था लेकिन टू के साथ बिन, ये गलत है। कभी भी याद रखना टू के साथ में बिन का यूज भी नहीं होता। अरे भाई टू के साथ बिन इसलिए नहीं होता, समझने की कोशिश करो मेरी जरा गौर से, मैं दूसरी भाषा में आपको समझाता हूँ इस बात को, ठीक है ना। इसको तो चलो एक बार, अरे सॉरी ना, टू हैड, चलिए जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दूसरी भाषा में, समझो, टू के साथ में बी, टू के साथ में बिन, और टू के साथ में बीइंग की अगर बात की जाए ना कभी, तो याद रखना, याद ही रखना परमानेंटली कि ये कभी नहीं लगते इसके साथ में भाई, टू के साथ में केवल बी लगता है, क्योंकि बी वी वन होता है, ये वी थ्री होता है और वी फोर होता है, हमें बार बार बताया गया कि केवल वी फर्स्ट लगता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, न कि टू बी लगेगा न कि बी। अब आप कहोगे सर टू बी तो लग सकता है, लेकिन ये अपीयर गलत हो गया ना, क्योंकि ये किस में बता रहा है, प्रेजेंट में, हमें क्या चाहिए, पास्ट में, क्योंकि इधर भी पास्ट में दिया होता है, ये फिक्स में चलता है। बताओ फटाफट से, समझ रहे हो, जल्दबाजी में हमेशा काम भी करते हैं तो जल्दबाजी क्यों करते हो, और कोई बात नहीं, बिगड़ रहे हैं तो क्या, सीख तो रहे हो ना मेरे भाई। चलिए बताइए फटाफट, हो गया, हो गया, डन डना डन, है ना, तो जल्दी से बोल दो, डना डन हो गया, चलिए भाई डना डन, ओके फाइन। तो अभी देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर बोलोगे सर स्पेस नहीं देते हो, चलिए भाई हो गया, आ जाओ भाई आ जाओ, सोल्व करो जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए फटाफट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं, रोंग की स्पेलिंग सही करे, के राव, डब्ल्यू आर ओ एन जी होती है, रोंग की स्पेलिंग डब्ल्यू आर ओ एन जी होती है ना, रोंग आर ओ एन जी नहीं होता भाई, सुधारे स्पेलिंग सुधारे, कोई
कोई बात नहीं, गलत हुआ कोई बात नहीं, आप सीख ही तो रहे हो। डन डना डन, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चन पर फोकस करें। बी पोलाइट एंड कर्टियस, बी पोलाइट एंड कर्टियस विल ग्रेटली, विल ग्रेटली इंप्रूव योर चांसेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। चलिए भाई देखते हैं एक बार आप लोग जो आंसर बता रहे हो वो सही जाएगा नहीं जाएगा। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी एग्जैक्टली लेट्स सी योर आंसर, आई चेक योर आंसर। ठीक ना, देखो सबसे पहले तो बी पोलाइट एंड कर्टियस, ये तो ऐसा, देखो पहली बात तो मैं आपसे ही बता दूं कि ये जो है ना आपकी, मतलब ये नहीं लेकर के मैं बताऊंगा, ये जो वर्ब है ना, सॉरी देखो विल ग्रेटली इंप्रूव, ये जो वर्ब आपकी, ये वर्ब को बताने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। सिंपल सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले तो ये समझो। अब यहां से अगर मैं केवल बी से शुरू करता हूं तो बी तो खुद ही एक वी वन है, तो बी पोलाइट एंड कर्टियस विल, ये कैसे हो सकता है? बी पोलाइट नहीं, बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस स्पेशली, बीइंग होना, क्योंकि आपको मैं बता दूं एक सब्जेक्ट बनने के लिए वी वन हेल्पफुल नहीं होता, एक वी टू भी हेल्पफुल नहीं होता, वी थ्री भी हेल्पफुल नहीं होता, वी फोर होता है। क्योंकि सब्जेक्ट वी फोर क्यों बन सकता है? क्योंकि वी फोर को हम क्या बनाते हैं भाई, जीरंड बनाते हैं। तो जीरंड एक सब्जेक्ट बन सकता है अपने आप में, और आपको पता है यहां से बाई बीइंग ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें जीरंड के लिए बाई लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट केवल बीइंग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग जो है हमारा जीरंड बनकर के विल को फुलफिल करेगा। फोर बीइंग प्रेपोजिशन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बी जो लोग बता रहे वो सही है। किसी को डाउट हो तो लिख करके बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व द डाउट। ओके आ जाओ अगला क्वेश्चन उड़ाओ फटाफट उड़ाओ, चलो भाई जल्दी करिए, आज की स्पीड लगा दीजिए पूरी। कमाल का क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूँ, कमाल का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है यार, ये वर्ब्स के मिक्सिंग, मतलब सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन, आप खामखाई डर रहे हो सीपीओ बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल, कहाँ टिपिकल, आप देखो सीपीओ में चुटकियों में उड़ाने वाले क्वेश्चन हो रहे। टाइम अप हो गया आपका, फटाफट सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो, आंसर लोग करे 77वीं, आज का टारगेट 50 प्लस क्वेश्चन, प्लीज जल्दी करो। चलिए बी विजय बी, चलिए मधु ओके काजल सॉन्ग, चलिए भाई ठीक है ओके वेरी गुड। हाँ ये होली चाहिए स्पीड आप सबके ना, ये मजा आ रहा है स्पीड लगाने में। चलो अब देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या लेना है, वर्ब लेना, और ये हमारा क्या है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है भाई। ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, समझने की कोशिश करें। चिल्ड्रन आपको हमेशा पता है कि प्लुरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि चाइल्ड से चिल्ड्रन बनता है मेरे भाई, चाइल्ड से चिल्ड्रन बनता है, और चाइल्ड से चिल्ड्रन बनाने के लिए चिल्ड्रन प्लुरल होता है, और चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब ध्यान दो, प्लुरल है तो फिर डेफिनेटली वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, प्लुरल। हैज तो सकल देखते एस लग रहा है, एस मतलब सिंगुलर वर्ब है, तो ये गया आपका नो इंप्रूवमेंट। दूसरी बात है यहाँ से इज है, ये भी गया आपका, और ये आर हैव, ये क्या मतलब है, आर और हैव को कभी पूरी जिंदगी में मैं पास में नहीं देखा, तो यहाँ क्या देखूंगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका भी, एग्जैक्टली जो लोग बी बता रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, जो बी बता रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, और स्क्रीनशॉट देख लीजिए लेना है, तो नहीं तो हम आगे चल पड़े यूं ही चलते चलते। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, टाइम स्टार्ट। चले बताएं फटाफट से, बताएं फटाफट से, बताएं चले फटाफट, क्या लग रहा है आंसर? बहुत कमाल का क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ए बता रहे हैं।
चलिए मैं आप लोगों के आंसर ले पा रहा हूँ, ए बी, क्या बात है, आज तो मजा आ रहा है इस क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। और मैं आपको इसका फैक्ट बताऊंगा, देखना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया लोकेंद्र, आपको फर्स्ट एड और कॉन्फिडेंट लेस होने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, आपको वो आंसर दूंगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां से बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपके दो टॉपिक से मिक्स होकर के, एक तो आपके डिग्री का क्वेश्चन है, ये देखो डिग्री का मिक्स क्वेश्चन है, अभी खुद समझ में आ जाएगा कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो मेरे भाई, समझने की कोशिश करें, यहां से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्नर, तो यहां से सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये किस में गया, पास्ट में गया, आपको पता है ये पास्ट में है, तो कंफर्म बात है कि दूसरा जो क्लोज यहां पर आप बनाना जा रहे हो वो भी कौन सा होगा, पास्ट में होगा, ये तो कंफर्म है सबको, ठीक है ना। अब दूसरी बात है पास्ट में होगा, अब ठीक है ये तो हम समझ गए, तो जितने प्रेजेंट है उनको घर भेजा जाए, ये गया और ये भी यहां से आपका क्या हो चुका है, क्रॉस। चलिए जो प्रेजेंट थे उनको घर भेजा गया, अब देखो यहां पर जो है पास्ट में था और यहां पर भी पास्ट में, लेकिन अब देखो आप यहां से क्या लिखा हुआ है, देन, और आपको पता है कि देन के साथ में क्या लगता है, मेनी देन लगता है या मेरे भाई मोर देन लगता है, आप खुद ही बता दो मुझे एक बार, तो मोर देन लगता है। अब आप कहोगे सर यहां पर देन कैसे हो सकता है, तो देखो एपिडेमिक से मरने वाले और सुनामी से मरने वालों के बीच में तुलना बताई जा रही है, और लाइकली का मतलब संभवतया जो एपिडेमिक से मरने वाले वो ज्यादा है देन किससे, सुनामी से, तो डेफिनेटली भाई मोर के साथ में ही यूज हो सकता है, क्योंकि मेनी देन तो होगा नहीं तो मोर देन ही होगा, दैट मोर पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक्स देन ऑफ द सुनामी। तो बताओ किसी को डाउट हो तो मुझे लिख के बताओ जल्दी से, फिर ही मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, चलो मुझे लिख के बताओ जल्दी से, डाउट है या नहीं है, सर आपके पीछे देन हाइड हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा ऐसा है क्या मेरे पीछे देन हाइड हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैं तो वैसे भी देखो पूरा साइड में हो जाता हूँ, भी आप लोगों को दिखता रहे, चलिए मुझे जल्दी से बता तो दो प्लीज कि आपको कोई डाउट नहीं है, चले भी वेरी गुड मॉर्निंग डोलान ट्रप जी, क्या हाल चाल है आपके, सब बढ़िया अमेरिका में, चले भी ठीक है, नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों को, इसलिए मैं नया क्वेश्चन पर चल रहा हूँ आप लोगों को लेकर के, चले भाई 15 सेकंड के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन, चलिए प्रेपोजिशन के टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए दिया गया, प्रेपोजिशन के टॉपिक से क्वेश्चन है, फटाफट उड़ाए कितना कर सकते हो, और जल्दी करिए जल्दी करिए, आज बहुत क्वेश्चन करने वाले अपन, चलिए 679 में भी बताया जा रहा है, चलिए भाई अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हाँ आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, सब बढ़िया है जी अमेरिका में, चलो भाई बढ़िया, चलो जी डोनाल्ड ट्रंप जी आप भी ध्यान रखिए अपने, कोरोना वोराना ना हो जाए आपके, चलिए भाई ठीक है ना। आई टेल यू द वन थिंग दैट रिफ्रेन जो है इसके साथ बस एक ही चीज़ बताऊंगा, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बस हो गया काम, बस समझ लो हो गया काम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और वो एकमात्र ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, हो गया काम, बस खत्म है सब कुछ। रिफ्रेन का मतलब होता है भाई परहेज करना, परहेज करना, रिफ्रेन और अब्सटेन, ये दोनों वर्ड होते हैं एब्सटेन और रिफ्रेन, दोनों के साथ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, एब्सटेन लॉन्ग टाइम के लिए, रिफ्रेन थोड़े समय के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, छोटा सा क्वेश्चन था उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, चलो आ जाओ बताओ फटाफट से बताओ इसका बताओ, चलिए 15 सेकंड स्टार्ट योर क्वेश्चंस, चलिए भाई सोच समझ के बताएं, चले भाई जल्दी करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंस को देखना आपको अगल बगल वाले को, जल्दी देखिए वैन से दो वैन और वाइल मतलब जो भी है जिससे भी आप जोड़ना चाह रहे हो, वैन से जोड़ोगे वाइल से, तो दो क्लोज जुड़े हुए हैं, आपको देखना है कि दोनों क्लोज में फिक्स टेंस होना चाहिए, चले भाई लेट्स सी, दोनों में फिक्स टेंस होना चाहिए, तो अगर उधर पास्ट है तो डेफिनेटली इधर भी पास्ट, बहुत बढ़िया भाई, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बता रहे हैं, मैं आंसर पढ़ लूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं डी और बी भी बता रहे हैं, चले आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं भाई डी और बी वालों, चलिए फटाफट देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो कि वर एस्लीप है इस वाले का तो ये पास्ट टेंस में है और ये फिक्स में इधर वाला,
तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि इधर भी पास्ट टेंस में होगा। अब ज्यादा सोचना नहीं, हमें आंसर लॉक करना है। तो देखो फटाफट से यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ से, तो ये होगा नहीं यहाँ से भाई, ये भी प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी यहाँ से नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये स्पॉक का वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये तो बात जब होती है तब वो हमेशा बोला करते थे, नहीं ये एक कोई दिन हो गया कि सम पीपल जो है इन द ऑडियंस, ऑडियंस में कुछ लोग जो है वर एस्लिप, क्या कर रहे थे, सो रहे थे, दैट्स मीन टू सोए हुए थे, मतलब वाइल द चीफ गेस्ट वॉज स्पीकिंग, जबकि चीफ गेस्ट जो है वो बोल रहा था। तो यहाँ से कंडीशन स्पोक नहीं होगा, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ से फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि वाइल से जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दोनों तरफ हम कौन सा टेंस लेने की कोशिश करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे सर इधर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है ना, है भाई, एस्लिप लिख दो या स्लीपिंग लिख दो एक ही बात है, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, आप चाहो तो एस्लिप लिख दो ठीक ना, या आप चाहो तो स्लीपिंग कर दो, एक ही बात होती है। समझाऊं कैसे, क्योंकि एस्लिप एक एडजेक्टिव होता है और ये भी एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैन वर्ब, तो दोनों ही इक्वल होते हैं ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं यहां से, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, डी होगा। किसी को कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, चलिए फटाफट लॉक किया जाए अगला क्वेश्चन, जल्दी 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 चलिए फटाफट सोल्व करिए अगला क्वेश्चन, क्या बताना जा रहे हो। चले भाई जल्दी करिए, डी सॉरी 181 में क्या होगा, 181 में डी होगा। ओके लेट्स सी भाई, लेट्स सी, डी डी डी, चलिए ठीक है, मैं आपके आंसर समझ चुका हूँ, आप लोग जो बताना चाह रहे हैं मैं सबके फीलिंग ले चुका हूँ, अब मैं अपना आंसर दे देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्या होगा। चले भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सतवीर, वेरी गुड मॉर्निंग, अब जरा सुनने की कोशिश करें, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको होगा क्या। देखो ये चीज जो आप बता रहे हो ना, वो आपकी बात सही है कि डी आंसर तब होता मेरे भाई जब केवल ये दिया जाता द कलर इज, या फिर चिक्स का केवल, अगर आपको कभी भी ये दिया जाता याद रखना नाउन ऑफ और फिर नाउन दिया जा रहा आपको, और ठीक है, और फिर थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन का साउंड दिया जाए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ पर तुलना सीडी वीडी तो कुछ हो रहा ही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कलर जो बताया जा रहा है किसका बताया जा रहा है, चिक्स का बताया जा रहा है ना, इसने कहा द कलर ऑफ हर चिक्स इज लाइक अ रोज, ठीक है ना, यही तो बताया जा रहा ना, इज लाइक अ रोज, गुलाब की तरह है, तो चिक्स का कलर बताया जा रहा है, तो कलर का रोज से एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो यहां से याद रखना हम कलर की तुलना ही तो कर रहे हैं ना मेरे भाई, कलर की तुलना ही तो करेंगे ना, तो कलर को बताने के लिए हमेशा याद रखना इस कंडीशन में, अब सीडी नहीं है कोई बात नहीं है, तो हम इस कंडीशन में उस नाउन से पहले लाइक रोज से पहले, लाइक रोज से पहले हम क्या लगाएंगे, दैट ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि दैट ऑफ जो यूज करेंगे हम वो किसका रिपीटेशन करेगा, इस वाली नाउन का रिपीटेशन। तो जैसे इधर ऑफ लगाया तो इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली ऑफ ही लगाना पड़ेगा, इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ ही लगाना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में हम इस चीज का यूज करते हैं। तो ये छोटा सा मिस्टेक हुआ कि हमें जो लिखने की कंडीशन है वो हो जाएगा आपका, तो लाइक से ही हम इस चीज को करेंगे कि दैट ऑफ अ रोज, समझे ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट ऑफ अ रोज, क्योंकि लाइक जो है वो ही आपका क्या बता रहा है, एक हमें यहाँ पर तुलना या फिर समानांतर जिसको मैं कह सकता हूँ की तरह, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ना कि डी होगा, ना कि बी होगा, ना का ए होगा। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, फटाफट से बताओ, सी और डी में कंफ्यूजन है तभी तो बता रहा हूँ कि सी होगा डेफिनेटली, एग्जैक्टली सी होगा, एग्जैक्टली सी, एग्जैक्टली, ओके, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं जो बी बता रहे हैं दे आर रॉन्ग। चलिए भाई ठीक है, तो मैंने कहा लाइक जो है ना वो तुलना समानता, तो समानता बताओ चाहे तुलना बताओ, अब उसने आज सीडी नहीं लिया तो क्या हुआ, एक वर्ड दे दिया उसने लाइक, लाइक का मतलब जैसे, जैसे मतलब जो समानता बताता है, तो इनके बीच में हम क्या लेंगे, दैट ऑफ, और अगर ये नाउन प्लुरल होती तो हम क्या ले लेते, दो जॉब ले लेते भाई, दो जॉब हम कम लेते हैं, कब लेते दो जॉब बताओ जरा, अगर यही नाउन क्या होती आपकी, ये तो सिंगुलर है इसलिए, और अगर यही नाउन आपकी क्या होती, प्लुरल होती, तो हम क्या ले लेते, दो जॉब। चलिए ठीक है, डन है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और जिसको डाउट हो वो लिख करके भेज दीजिएगा, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट योर टाइमिंग नाउ। चलिए सोल्व कीजिए फटाफट, चलिए सोल्व कीजिए फटाफट से। जल्दी बता दो, चलिए भाई ठीक है, ओके ए ओके भाई, लेट सी दैट क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के आंसर आई कैन गेट, नो प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो तो यहां से देखो आपको क्या दिया हुआ है, टू डू दिया हुआ आपको, और टू डू देने का एक इशारा जा रहा है हमारे पास में कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो देखो सो के साथ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता नहीं, आपको पता है, तो फिर किसके साथ में लगता है मेरे भाई, टू के साथ में ही लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है ना। तो जब टू के साथ में लगता है तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि टू का दिया हुआ है, दैट इज ए ऑप्शन, न कि बी, न कि सी, न कि डी। तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जल्दी से लॉक करिए इसको और नेक्स्ट पर चलिए, आ जाओ अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं सीख रहे हैं आप लोग। चलिए अगला 183 फटाफट लोग करिए, 183 पर क्या सोच रहे, द स्टूडेंट विथ हिज पेरेंट्स वर आस्क फॉर वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। फटाफट लोग करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। चलिए भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन 2019 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी करिए फटाफट। तो आपको पता होना चाहिए विथ से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो किसके अनुसार वर्ब यूज की जाती है, विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एंड नॉट बिसाइड्स, ठीक है ना, रेदर देन देन मोर देन, मोर देन तो नहीं होता, रेदर देन होता है। एग्जैक्टली भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपको पता है स्टूडेंट जो है वो पहला नाउन, और पहले नाउन के अनुसार ही हम वर्ब यूज करते हैं। पहला नाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हो जाएगी। यहाँ तो वर्ब प्लुरल में है इसलिए आपका नो सब्स्टिट्यूशन गया, यहाँ पर भी प्लुरल में तो ये भी गया, और यहाँ पर भी प्लुरल तो ये भी गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो ठीक है, हो गया भाई, हो गया। अगला क्वेश्चन सोल्व करिए फटाफट से, एक और क्वेश्चन ले लीजिए लास्ट। चलिए फटाफट से लॉक करिए आपका ये वाला क्वेश्चन, देन आप चलिए लास्ट क्वेश्चन। पेडेस्ट्रियंस इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स। चलिए ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और एक छोटी सी जब किसी को बोलते ना रिकमेंडेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है किसी को, या अगर किसी को लीगल ड्यूटी शो करना हो, कानूनी कर्तव्य, देखो एक लीगल ड्यूटी होती है आपको पता होना चाहिए, लीगल ड्यूटी ही मानी जाती है ये भी अपने आप में। तो पेडेस्ट्रियन इज टू बी केयरफुल वेन क्रॉसिंग बिजी रोड। जब भी ट्रैफिक रोड पर हो तो पेडेस्ट्रियन को क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से रोड को क्रॉस करना चाहिए। और जब लीगल ड्यूटी की बात हो तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली भाई, जो लोग बी ऑप्शन बता रहे दे आर एब्सोल्यूटली राइट, कि जब भी लीगल ड्यूटी को बताना हो तो मस्ट प्लस V1 का यूज करते हैं, मतलब मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। तो मस्ट बी केयरफुल, न कि नीड केयरफुल, न कि वुड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जब भी लीगल ड्यूटी, कानून कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य बताना हो, और कानूनी क्यों है, क्योंकि बोलते हैं सरकार, तो ये वाली चीज लीगल ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज होता है। एग्जैक्टली लीगल ड्यूटी के लिए सीट बेल्ट बांधना है, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी है आपको, तो ये सब कानूनी कर्तव्य, रेड लाइट पर गाड़ी रोकने आपको, तो एग्जैक्टली ये सारे के सारे कानूनी कर्तव्य है मेरे भाई। चले ठीक है ना, ओके चले फाइन ठीक है। तो मैं 184 तक ही आज के क्वेश्चन होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि आपको बताया था टाइम इज गोइंग टू फिनिश, और अभी मैथ्स वाली क्लास है। तो बताएं फटाफट से, एंजॉय किया आपने क्लास, लेकिन एक चीज बता दूं कि जो लोग संपर्क में हो जिनको पता नहीं है तो प्लीज उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी क्लास को कंटिन्यू रख सके। और यार शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, बट आप इंजॉय कीजिए और जितना हो सकता है क्लासेज को रिपीट करते रहिए, क्योंकि बहुत कमाल के रूल्स हैं। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं हम, वैसे आज शाम को फिर से मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में। तो वन वर्ड के लिए बुक रखिएगा अरेंज, और आगे के लिए। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, एक से लेकर के जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया,
100 तक का जो हमने कंप्लीट कर लिया उनको 92-94 तक हमने कंप्लीट किया, तो उनको कम से कम एक बार रिपीट करके और फिर 4:30 बजे आप मुझे मिलेंगे, तो हम एक नई नए जोश के साथ में और 4:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, ओके फाइन। तो आज की क्लास के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। बस अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और जितना हो सकता मेहनत कीजिए और दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना ही है। इस साल की वैकेंसी का सिलेक्शन 2021 में आपको लेना है और वो आप ही के हाथों में लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि आपके पेड कोर्स से कई गुना बेहतर है, तो आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें AR एजुकेशन ऐप, जहां मिलेंगे आपको बेहतरीन क्वालिटी फीचर्स, बेस्ट क्वालिटी लेक्चर ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो कि आप सभी अर्जुनों के बनेंगे सारथी, लाइव चैट ऑप्शन जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कर सकेंगे टीचर से सीधे बात, ओनली फोकस एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक एंड ट्यूशन, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, ईबुक एंड PDF फैसिलिटीज जहां आप अपने टॉपिक को और भी डिटेल में समझ पाएंगे, ऑल बैचेस एंड वीडियोस आर फ्री, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट ऑप्शंस, जिसमें आप अपने लेवल को एग्जाम के लेवल से बेहतरीन तरीके से मैच कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तथा इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से हमारे ऐप AR एजुकेशन।